नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन राजस्थान जीके से संबंधित अक्षांश व देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। एक ग्लोब पर स्थित खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जो रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है वे अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है वे देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों रेखाएं काल्पनिक हैं। जाने अपन राजस्थान का अक्षांश देशांतर क्या होगा, भारत का अक्षांश देशांतर कितना होता है। अक्षांश रेखाएं, तो आज का अपना टॉपिक होगा अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती है जो क्षैतिज रेखाएं होती है, पूर्व से पश्चिम तक खींची गई रेखाएं। ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, नीचे वाला भाग दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। और भारत की जो अपनी स्थिति है उत्तरी अक्षांश में है। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण तक खींची गई रेखाएं खड़ी रेखाएं, ऊपर उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। और भारत के मध्य विश्व के मध्य में से ग्लोब के मध्य में से खींची गई रेखा, जिसे अपन विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो जाने अपन अक्षांश रेखाओं के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं के दो भाग हैं, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतर की बात करें तो भारत पूर्व देशांतर में स्थित है। इसी प्रकार पूछ लिया जाए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, तो 180 प्लस 181 अक्षांश रेखाएं लोकेशन बताने के काम आती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, कुल दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का अक्षांश देशांतर बताइए। तो उत्तरी अक्षांश है 23:03 से 30 डिग्री 12 मिनट तक। याद रखिएगा दोस्तों, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित जिला मुख्यालय डूंगरपुर प्रतापगढ़। इसी प्रकार 25 डिग्री पर सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, इनको भी आप ध्यान रखें। विशेष पॉइंट यही है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कहते हैं। 27 डिग्री। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जिसके दो भाग बनते हैं, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर। तो भारत है वो अपने पूर्वी देशांतर में स्थित है, भारत के हो चाहे राजस्थान के हो। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो इसी प्रकार राजस्थान भी पूर्वी देशांतर में स्थित है। देशांतर रेखाएं समय बताती है, जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं होती है वो लोकेशन बताती है, स्थिति बताती है। तो देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है और इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती है। देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है, जिस प्रकार अक्षांशों का मध्य क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, उसी प्रकार देशांतर का मध्य क्षेत्र गोरे कहलाता है। समय की दृष्टि से विश्व को ग्लोब 24 जोनों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक जोन में 15 डिग्री आती है। ये भारत का पूर्वी देशांतर है। इसी प्रकार अपन यहाँ अक्षांश और देशांतर की स्थिति देखें तो ये राजस्थान की स्थिति है। ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। दोनों का जो अंतर है वह 43 किलोमीटर।
इसी प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 48-50, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, दोनों को जोड़ोगे तो 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। इसी प्रकार बात करते हैं तो राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर ज़िले का कोणा गांव स्थित है, जैसलमेर ज़िले का कटरा गांव, धौलपुर ज़िले का सिलोना गांव और कुशलगढ़ बांसवाड़ा का बोरगुंड गांव। अब बात करते हैं आगे अपन, तो यह राजस्थान का पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूर्वी देशांतर होता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट इसी प्रकार अपन बात करते हैं देशांतर रेखा पर जिला मुख्यालय कौन कौन से हैं। 70 डिग्री पूरे देशांतर रेखा पर जिला मुख्यालय कोई नहीं है। 71 डिग्री पर पूरे देशांतर रेखा पर जिला मुख्यालय जैसलमेर स्थित है। देशांतर होते हैं वो खड़ी रेखाएं होती है। यदि अपन ये ग्लोब की बात करें तो ये देशांतर रेखाएं होती है जो अर्धवृत्त को बनाती है। तो अपन यहाँ राजस्थान की बात करें तो इसको इस प्रकार देखेंगे तो ये 69 से 78 डिग्री 17 मिनट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्या होती है? ये ग्लोब में उत्तर से दक्षिण में खींची गई देशांतर रेखा ही है। किसी भी एक देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा मान लिया गया। ग्रीनविच रेखा के 1 डिग्री पूर्व में चलने पर 4 मिनट का समय लगता है। चाहे पूर्व में चलो चाहे पश्चिम में चलो, 4 मिनट का समय कम हो जाएगा, इधर वृद्धि होगी इधर कम होगा। भारत के ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। भारत का समय है जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिया गया है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस हिसाब से देखें तो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे पूर्व में आगे की तरफ है और ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर में स्थान पर स्थित है। 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सीमांत। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील में सिलोन गांव में। इसी प्रकार सूर्यास्त कटरा गांव में राजस्थान में। तो ये अपन बात कर रहे थे अपन सूर्योदय और सूर्यास्त की। तो राजस्थान की यदि बात की जाए तो सबसे पहले सूर्योदय होगा वो धौलपुर ज़िले में होगा और सबसे अंतिम में जो सूर्योदय होगा वो जैसलमेर में स्थित होगा। तो ये अक्षांश और देशांतर की बात करें अपन, ये एक तरफ तो राजस्थान की स्थिति है और एक तरफ भारत की स्थिति है, भारत देश की स्थिति और राजस्थान की स्थिति। तो ये देख सकते हैं आप 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, फिर ये पूरी देशांतर, इसी प्रकार ये भारत का। तो याद रखिएगा दोस्तों अक्षांश और देशांतर। अब बात करते हैं अपन, यदि धौलपुर में सूर्योदय 5 बजे होता है तो जैसलमेर में कब होगा? तो इसका डायरेक्ट याद रखना 9 x 4 = 36 मिनट बाद, यानी कि 5:36, क्योंकि अपने देशांतर हैं वो टोटल 9 हैं। 9 देशांतर होने के कारण एक देशांतर का समय हो जाएगा 1 डिग्री देशांतर का, वो 4 मिनट है। तो अपने पास 9 × 4 गुणा करवाएंगे 36, तो 5 में 36 जोड़ने पर 5:36 पर सूर्योदय होगा, यानी 36 मिनट लेट होगा।
इसी प्रकार चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लेती है और 27 दिन की परिक्रमा होती है। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अब बात करते हैं कर्क रेखा, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कर्क रेखा। कर्क रेखा ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अब आपसे पूछ लिया जाए कर्क रेखा विश्व में कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई अफ्रीका महाद्वीप में है। कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से गुजरती है। कई बार प्रश्न पूछा गया वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और सबसे अधिक लंबाई वो अपने मध्य प्रदेश में है कर्क रेखा की, सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में है। तो विशेष इन चीज़ों को याद रखिएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो अपना राजस्थान है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है। डूंगरपुर को तो केवल टच करते हुए निकलती है और बांसवाड़ा के बीच में से निकलती है। डूंगरपुर में गांव की बात करें तो चिकली गांव और बांसवाड़ा की बात करें तो कुशनगढ़ तहसील से गुजरती है। ये थी कर्क रेखा की बात। और बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कई बार कर्क रेखा से प्रश्न पूछा जाता है कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में है, सबसे कम लंबाई डूंगरपुर में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मात्र 2 ही जिलों में है ये अपने राजस्थान में। तो इसके जो नीचे का भाग आएगा वो कटिबंध अलग हो जाएगा, इसलिए राजस्थान का अधिकतर भाग है वो उपोषण कटिबंध में आता है। यदि लंबाई की बात करें कर्क रेखा की, राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर और ये कटिबंध की बात हुई तो उपोषण कटिबंध, याद रखिएगा राजस्थान का सबसे अधिक भाग कौन सा है, उपोषण कटिबंध, 2 जिलों को छोड़ते हुए। और 2 जिले हैं जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर जो भाग है अपने वो उष्ण कटिबंध है। विशेष याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में 2 ही प्रकार के कटिबंध है, उपोषण या उष्ण। उष्ण 2 जिलों तक सीमित है। अब बात करते हैं मकर रेखा की। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, ये ग्लोब में 0 डिग्री पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई मध्य की रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना 1884 में की गई। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर जो रेड क्लिफ रेखा है, जो अपने गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर यानी राजस्थान के 4 जिलों से टच करती है और इधर पाकिस्तान के 9 जिले इस पर टच करते हैं। फिर स्थलीय अंतर्राज्य सीमा की बात करें, केवल अंतर्राज्य सीमा की, तो 4850 और कुल सीमा की बात करें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इंक्लूड कर दी जाएगी तो ये हो जाएगी 5920 किलोमीटर। फिर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की है वो 869 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, यह चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, और कितनी ज़्यादा है वो 43 किलोमीटर का अंतर है। ये इसका अंतर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कुल अंतर 43 किलोमीटर। विकर्ण की बात करें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक 850 किलोमीटर। फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की बात करें तो 784 किलोमीटर। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, दशांत रेखा, ग्लोब से संबंधित, विश्व से संबंधित, भारत से संबंधित, इन सब की आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए।
ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में बता रहा हूँ। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कई बार पूछी है, इसमें यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। नॉर्थ और ईस्ट, इसका विशेष ध्यान देना, कई बार संख्यात्मक मान तो यही रहता है लेकिन यहाँ पर एन की जगह डब्लू या ई की जगह एस साउथ कुछ भी आ सकता है, इसको भी विशेष ध्यान देना। एन यानी नॉर्थ और ईस्ट की आएगा हमेशा, क्योंकि राजस्थान और भारत है वो पूर्वी और उत्तरी देश, पूर्वी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ई का मतलब पूर्वी देशांतर हो गया और एन का मतलब उत्तरी अक्षांश हो गया। राज्य विस्तार की बात करें तो ये दोनों का अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट और 60 डिग्री 9 मिनट, ये अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर है। जो 8 डिग्री 47 मिनट है ये तो देशांतरीय अंतर है और जो 60 डिग्री 9 मिनट है ये अक्षांशीय अंतर है। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट घटाओगे तो आपके पास अंतर आएगा 60 डिग्री 9 मिनट का। अगला प्रश्न है, राजस्थान लगभग 9 डिग्री देशांतर के मध्य फैला हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, 9 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 36 मिनट का गैप आता है धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक में सूर्योदय के अंतर में। ये लिखा हुआ यहाँ पर स्पष्ट रूप से, राजस्थान का लगभग 9 डिग्री देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में समय का जो अंतर है वो 36 मिनट का अंतर है। ये वन रक्षक 2013 में प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ये अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन किया है। याद रखिएगा दोनों ही काल्पनिक रेखाएं होती है, जो ग्लोब में खींची गई रेखाएं होती है जिनके द्वारा किसी भी देश की स्थिति और समय का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश से तो अपन लोकेशन का पता करते हैं और देशांतर से अपन समय का पता करते हैं। तो ये आज का इसका महत्वपूर्ण टॉपिक था, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कल फिर आपको नए वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।